Dear students of class 6th, today in this video lecture we will discuss the third chapter of English Reader, and the name of the chapter is The Starting Point. This chapter is a small part taken from the autobiography of Milkha Singh, The Race of My Life. बच्चों आपको पता है ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है आत्मकथा, मतलब अपने आप पर लिखी गई पुस्तक. द रेस ऑफ माई लाइफ इज अ बुक रिटन बाय मिल्खा सिंह एंड हिज डॉटर सोनिया सेनवाल का. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इट्स वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वन, रिक्रूट. रिक्रूट मीन्स अ पर्सन हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड आर्म्ड फोर्सेस. मीन्स एक पर्सन, एक व्यक्ति जिसने अभी अभी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन किया हो. रिक्रूट मीन्स भर्ती, जिसकी अभी अभी भर्ती हुई हो. एग्जेम्प्टेड. एग्जेम्प्टेड मीन्स एक्सक्यूज्ड फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर ड्यूटी, मतलब कोई भी काम जो आपकी ड्यूटी है, जो आप रोज करते हो, उससे आपको छुट्टी मिल जाना. थर्ड वन इज सेंस ऑफ मिशन. सेंस ऑफ मिशन मीन्स अ फीलिंग दैट ही वॉज डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. एक फीलिंग आना कि वो बहुत ही जरूरी काम कर रहा हो. ये जैसे मिशन से ही ये साफ दिखता है कि मिशन मीन्स जैसे कोई बहुत जरूरी काम. ग्रेट वांट एंड डेप्रिवेशन मीन्स द सिचुएशन ऑफ नॉट हैविंग समथिंग ड्यू टू लैक ऑफ मनी. ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास पैसे का अभाव हो और आप कोई चीज लेना चाहते हो और वो आप ना ले सको. ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होना. टेसिटर्न. टेसिटर्न मीन्स समवन हु डज नॉट स्पीक मच, जो ज्यादा नहीं बोलता, अल्पभाषी. प्रोडिंग. प्रोडिंग मीन्स जेंटली अर्जिंग देम टू रन फास्टर, मतलब किसी को प्यार से आग्रह करना. इस चैप्टर में प्रोडिंग का मतलब है टू रन फास्टर, तेजी से भगाने के लिए किसी को आग्रह करना. इंस्ट्रूमेंटल. हेल्पफुल इन अचीविंग समथिंग, किसी को हेल्प करना कोई भी चीज अचीव करने में. क्रॉस कंट्री मीन्स अक्रॉस फील्ड्स. ये जो क्रॉस कंट्री है ये एक गेम का नाम है. यहाँ यह इस गेम में खेतों से होकर भागा जाता है. साइनोशोर मीन्स अ पर्सन हु इज फोकस ऑफ एवरीवन्स अटेंशन, एक पर्सन जो सबके अटेंशन का केंद्र हो, मतलब आकर्षण केंद्र. सोलमन. सोलमन मीन्स सिंसियर, जो सिंसियर हो बहुत ज्यादा. प्रिविलेज. प्रिविलेज मीन्स एडवांटेज और बेनिफिट, किसी को किसी चीज का ज्यादा लाभ मिलना, उसको कहते हैं प्रिविलेज. बैरक्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इन विच सोल्जर्स लिव, एक बिल्डिंग जिसमें सोल्जर्स रहते हैं. एंटिसिपेटेड मीन्स एक्सपेक्टेड, जिसका पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है. ग्रूमिंग. ग्रूमिंग मीन्स हिज ट्रेनिंग टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट, किसी की ट्रेनिंग ऐसे की जाए कि वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बन जाए. इट्स मीन ग्रूमिंग. सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन ऑल दिस वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक एंड ट्राई टू लर्न ऑल दिस वर्ड मीनिंग. स्टूडेंट्स डू यू नो देर इज अ फिल्म विच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मिल्खा सिंह एंड द नेम ऑफ द मूवी इज भाग मिल्खा भाग. आई होप सम ऑफ द स्टूडेंट मस्ट हैव सीन दिस पिक्चर. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस चैप्टर. मिल्खा सिंह ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, इज अ फॉर्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर. ये ट्रैक और फील्ड क्या है? यहां पर देखो बच्चों, ये ट्रैक एंड फील्ड है, ये ट्रैक बने हुए हैं, इस पर एथलीट भागते हैं. जो मिल्खा सिंह है वो भूतपूर्व भारतीय ट्रैक एंड फील्ड, मतलब इस ट्रैक पे
बहुत तेज गति से भागने वाले खिलाड़ी हैं, धावक हैं। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958 एंड द समर ओलंपिक गेम ऑफ 1956, 1960 एंड 1964। मिल्खा सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, मतलब वो इंडिया की तरफ से खेले थे। कब? इन द कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे 1958 में, एंड द समर ओलंपिक गेम्स ऑफ 1956, 1960 एंड 1964 में जो गेम्स हुए थे उसमें मिल्खा सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। एज ए चाइल्ड ही यूज्ड टू रन 10 किलोमीटर्स टू स्कूल एंड बैक। जब वो बचपन में ही वो बहुत तेज गति से भागते थे, जब वो छोटे थे तब ही वो 10 किलोमीटर भाग स्कूल जाने के लिए दौड़ते थे। मतलब वो जहाँ स्कूल जाते थे वो स्कूल उनके घर से 10 किलोमीटर दूर था, आने जाने में 10 किलोमीटर पूरे हो जाते थे। सो रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस कम नेचुरली टू हिम, इसलिए तेज गति से भागना वो नेचुरल ही उनके अंदर था। इन हिज यूथ ही ज्वाइंड द आर्मी, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। वेयर ही वॉज इंट्रोड्यूस टू रनिंग एज ए स्पोर्ट, और आर्मी में वो खेल के उन्हें वहां खेल के रूप में दौड़ने के लिए पेश किया गया था। हैविंग फाउंड हिज कॉलिंग ऑन द ट्रैक, मिल्खा सिंह वेंट ऑन टू विन सेवरल एकोलेट्स फॉर इंडिया एट वेरियस इंटरनेशनल इवेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिल्खा सिंह बचपन से ही बहुत तेज गति से भागते थे, तो ट्रैक को देखकर तो उन्हें अंदर से ही लगता था कि ये उनका सपना है, अंदर से उनको मिशन लगता था कि मुझे ट्रैक पर ही भागना है। तो इस तरह मिल्खा सिंह ने अपने देश के लिए कई अवार्ड जीते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ही इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज फोर्थ प्लेस फिनिश इन द 400 मीटर फाइनल एट द 1960 ओलंपिक गेम्स। जो 1960 में ओलंपिक गेम्स हुए थे वो उसमें 400 मीटर की रेस में चौथे नंबर पर आए थे, और इसके लिए उन्हें याद किया जाता है, बेस्ट रिमेम्बर्ड याद किया जाता है। हिज फोर्थ प्लेस ऑफ 45.73 सेकंड्स बिकेम द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड देन एंड वाज हेल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 इयर्स। वो फोर्थ प्लेस पे जो आए थे और उन्होंने इतना समय लिया था मतलब फोर्थ नंबर पे आने के लिए, और वो जो रिकॉर्ड बन गया और वो 40 इयर्स तक कोई भी वो रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका। बच्चों ये देखो, ये है मिल्खा सिंह, लेफ्ट टू सेकंड पर्सन, मिल्खा सिंह सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड से लेफ्ट एट द ओलंपिक इन रोम इन 1960 में जो ओलंपिक गेम हुए थे, कहाँ पर? रोम में हुए थे। इसमें मिल्खा सिंह फोर्थ प्लेस पे आए थे। थ्री फॉर्चुनेट इंसिडेंट्स दैट ओकर्ड इन जनवरी 1953 व्हेन आई वाज ए न्यू रिक्रूट इन द आर्मी चेंज द कोर्स ऑफ माय लाइफ। तीन भाग्यशाली घटनाएं हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1953 में हुई थी, व्हेन जब उनकी नई नई भर्ती हुई थी आर्मी में। चेंज द कोर्स ऑफ माय लाइफ, तब उनका जीवन चेंज हो गया, बदल गया। आफ्टर द मॉर्निंग रोल कॉल वन सैटरडे, रोल कॉल मीन्स अटेंडर्स, देयर वॉज एन अनाउंसमेंट दैट अ 6 माइल रेस वॉज टू बी हेल्ड द नेक्स्ट डे। आफ्टर द मॉर्निंग सैटरडे को अटेंडर्स हुई, उसके बाद मॉर्निंग में वहां पर एक अनाउंसमेंट हुई, घोषणा हुई कि अगले दिन 6 किलोमीटर वाली रेस होगी। ऑल 500 रिक्रूट्स वुड पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, सभी 500 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। द टॉप 10 वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फैटीग ड्यूटी एंड बी गिवन अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। क्या हुआ? ऑल द 500 पीपल इसमें पार्टिसिपेट लेंगे, और जो टॉप 10 आएंगे ना, जो टॉप 10 आएंगे उनको जो वो डेली के काम थे, फैटीग ड्यूटी थी, जो डेली के काम होते हैं जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, उनसे उनको छुट्टी मिल जाएगी।
और उनको क्या मिलेगा, अ ग्लास ऑफ मिल्क, हमेशा उनको ग्लास ऑफ मिल्क मिलेगा। कब मिलेगा, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, जब वो ट्रेनिंग करेंगे तो उनको ग्लास ऑफ मिल्क मिलेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वी रिपोर्टेड एट द स्टार्टिंग लाइन, हमने रिपोर्ट किया स्टार्टिंग लाइन पे। वियरिंग कैनवस शूज, वेस्ट एंड खाकी शॉर्ट्स, कैनवस शूज पहने उन्होंने, खाकी शॉर्ट्स पहने। द विसल ब्लू, मतलब वहां सीटी बजी एंड वी सेट ऑफ, और हम तैयार हो गए। फिल्ड विद अ सेंस ऑफ मिशन, वो उनको ऐसे लगा कि वो किसी मिशन पे जा रहे हैं, और उनको ऐसी फीलिंग आई कि वो बहुत जरूरी काम करने जा रहे हैं। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं इतनी तेज भागा जितना मैं भाग सकता था। द रिवॉर्ड ऑफ गेटिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क वॉज अ बिग ट्रीट फॉर मी, बच्चों यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये कौन बता रहे हैं, ये मिल्खा सिंह बता रहे हैं अपनी स्टोरी। वो बता रहे हैं कि जो रिवार्ड था, जो इनाम था, किसका, एक गिलास दूध मिलने का, वो उनके लिए बिग ट्रीट था। बिग ट्रीट मतलब समथिंग वेरी प्लेजेंट इंजॉयबल था। क्यों था, एस आई हैड सफर्ड ग्रेट वांट एंड डेप्रिवेशन इन माई चाइल्डहुड, क्योंकि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में बहुत अभाव झेला था, उनके पास पैसे की तंगी थी इसलिए उन्होंने बहुत अभाव झेला था। आई टुक द लीड इन द फर्स्ट टू और थ्री माइल्स, पहले दो और तीन किलोमीटर में वो आगे थे। आई वुड रेस्ट अ वाइल इफ आई फेल्ट टायर्ड एंड देन रन अगेन व्हेन आई सॉ अदर्स कैचिंग अप, उन्होंने सोचा कि मैं रेस्ट कर लेता क्योंकि वो थके हुए थे, एंड रन अगेन और दोबारा भागते, पर उन्होंने देखा कि जो दूसरे लोग हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। लक वॉज विद मी दैट डे, उस दिन जो किस्मत है वो मेरे साथ थी। एंड आई फिनिश्ड सिक्स्थ इन द रेस, और वो रेस में क्या आए, सिक्स्थ आए। बच्चों आप ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह घर पर पढ़ेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस टुमोरो। स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन द वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक्स एंड लर्न ऑल द वर्ड मीनिंग। थैंक यू।